नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झाबुआ में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी झाबुआ मंडल के विश्व योग दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता एवं समाज सेवियों ने योग दिवस पर झाबुआ नगर स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर ग्रीन गोल्ड कॉलोनी के प्रांगण में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे मुख्य अतिथि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल थे। उक्त योग दिवस कार्यक्रम में जिला भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र नाहर, जिला मंत्री विश्वनाथ सोनी, मंडल अध्यक्ष अंकुर पाठक, मंडल महामंत्री जुवान सिंह गुंडिया, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, पार्षद नरेंद्र राठौड़िया, जिला कार्यालय मंत्री मनोहर मोदी, भूपेश सिगोड, नगर मंडल मंत्री किशोर भावोर व राजू थापा, आईटी सेल विपिन गंगाड़े, सायरा खान, रतीन भगोरा, रमीला बेन, अजय डामोर आदि भाजपाई कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी नायक के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मार्गदर्शन प्रदान करते हुए ओम प्रकाश शर्मा एवं शांतिलाल बिलवाल ने भाजपा मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री जवान सिंह गुंडिया की उपस्थिति में सभी योगकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योग दिवस के संकल्प का यह 8वां वर्ष है, जिसे आज पूरा देश मना रहा है। आज कोरोना जैसी महामारी से बचाव का भी योग एक माध्यम है, जिसे रोज हम सभी को योग करना चाहिए। इस अवसर पर मंडल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रही है। हाथ पे एक और बात, पैरों को खोलेंगे, लेफ्ट पैर लेंगे, अगर ऊपर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करना है ऊपर हो जाए, और नहीं हो तो नीचे रख के भी आप ब्लड को ऊपर की ओर दबाइए, ब्लड को ऊपर की ओर खींचना है, पहुंचाना। एक और बात, हंसिएगा नहीं, बिल्कुल पैरों को सीधा सामने करेंगे, कोशिश कर लो, थोड़ा पीछे खसक जाओ सभी, थोड़ा थोड़ा पीछे खसक जाओ, बिल्कुल बहुत अच्छा है, यार तीसरे मत हो, पीछे खसक जाओ, बहुत जगह है, पीछे बहुत जगह है, बहुत जगह है, ऊपर नीचे करेंगे, बिल्कुल सहज करेंगे। दूसरी ओर वज्रासन में बैठेंगे, दबाएंगे, सांस निकालते छोड़ते हैं लेते हो, हाथ पर रखेंगे। एक और बार, सीधे सामने हाथ करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, बिल्कुल आराम से। झाबुआ से जियाउलक कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।